अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडा चिंगारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ढाबा स्टाइल है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी आसान तरीके से हम घर पे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दो अंडे लिए, उसमें हसब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, हरा धनिया एक चम्मच ऐड करेंगे, मिक्स हर्ब है और चिली फ्लेक्स है, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ऐड करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर मैंने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, उसे थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर मैंने जो ऑमलेट फेंटा था, ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लो फ्लेम पे हमें पकाना है, हाई पे नहीं, क्योंकि हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फिर मैं इसे यहीं पे अच्छे से घोट लूँगी, भुर्जी के जैसा हमें करना है। आप इसे दोनों साइड से पकाकर छुरी से इसे बारीक टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहीं पे फेंट लूँगी। लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये हमारा आमलेट यहाँ रेडी हो गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। ये रेडी हो गया, मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसे गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है उसे बारीक काट कर उसमें ऐड कर दिया और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक कि हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम मेरी हाई पे है और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं यहाँ कुछ मसाले ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसाला अच्छे से भून गया है, अब मैंने 3 अंडे बॉईल किए हुए थे उसको कट करके इसमें मिला देंगे। मसालों के साथ अंडों को मिलाएंगे और फ्लेम को अब लो रखेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैंने जो ऑमलेट रेडी किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसे भी इसमें मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। लो फ्लेम पे खुला ही पकाएंगे। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 2 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया मैंने। थोड़ी देर इसे 1-2 मिनट तक के लिए हम पकने देंगे। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन चिल्ली है जाड़ी मोटी वाली, उसके टुकड़े करके ऊपर से ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है। थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। ये हमारा अंडा चिंगारी पक के रेडी हो गया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।